दोस्तों, भारतीय संगीत का इतिहास कई ऐसे अनमोल नगीनों से भरा हुआ है कि जब भी हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें अपने अमीर संगीत की विरासत पर गर्व सा होने लगता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार के बारे में जिसको गाना तो दूर, बचपन में घर से बाहर निकलने की भी मनाही थी। वीडियो कैमरे पर आना तो दूर, फोटो तक खिंचवाना मना था। स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करते समय भी बुर्का पहनकर ही जाना होता था, जिसके साथ कोरस में गाने के लिए लता मंगेशकर, आशा भोसले और किशोर कुमार जैसे दिग्गज गायक भी बेकरार रहते थे। लेकिन इतनी दिक्कतों के बावजूद भी बॉलीवुड में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और अपनी आवाज का ऐसा जादू चलाया कि आज भी उनका संगीत पसंद किया जाता है। एक ऐसी सुरीली गायिका जिन्हें सुरों की मल्लिका भी कहा जाए तो शब्द कम पड़ जाएंगे, ऐसी अदाकारा का नाम है शमशाद बेगम। शमशाद बेगम का जन्म 14 अप्रैल 1919 को लाहौर में हुआ। इनके पिता का नाम हुसैन बख्शमान और माँ का नाम गुलाम फातिमा था। उनका परिवार उस समय के पंजाब के मुस्लिम पंजाबी जट परिवार से संबंध रखता था। शमशाद के परिवार में 5 भाई व 2 बहनें थीं। वह अपने इन 8 भाई बहनों में से एक थी। उनके परिवार में कोई भी ऐसा नहीं था जो कि संगीत से जुड़ा हुआ हो। शमशाद बेगम को बचपन से ही गाने का बहुत शौक था, लेकिन परिवार का माहौल और सामाजिक परंपरा उन्हें खुले तौर से गाना गाने से इनकार करते थे। धीरे धीरे उनका आरंभिक जीवन काफी मुश्किल दौर से गुजरा और आगे चलकर शमशाद बेगम बॉलीवुड की एक जानी मानी प्लेबैक सिंगर बनी। इनके सिंगिंग करियर के बारे में जानने से पहले आइए बात करते हैं शमशाद बेगम के पारिवारिक जीवन के बारे में। उनका बचपन लाहौर में ही गुजरा। उन्होंने अपनी पढ़ाई लाहौर में ही की। उसी समय उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे कि उनका जीवन ही बदल गया। 15 साल की उम्र में वह अपने पड़ोस में रहने वाले एक हिंदू लड़के गणपत लाल बट्टो के संपर्क में आई। उन दोनों में आपस में प्रेम हो गया। गणपत लाल उम्र में शमशाद से कुछ बड़े थे। उनका यह प्रेम उनके परिवार को रास ना आया, लेकिन काफी मुश्किलों के बाद और दोनों परिवारों के धार्मिक मतभेद के बावजूद भी दोनों ने 1934 में आपस में प्रेम विवाह किया। उनका यह प्रेम विवाह एक सफल जोड़ी बनकर सामने आया। शमशाद के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर भारतीय सेना के एक ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल से शादी की। आइए अब बात करते हैं कि शमशाद बेगम की जिंदगी में गाने की शुरुआत कैसे हुई। उनके जीवन की गायन की शुरुआत 1924 में बचपन में स्कूल से ही हो गई थी, जब वह स्कूल में प्रार्थना गाया करती थी। उनकी आवाज इतनी सुरीली थी कि स्कूल टीचर्स रोजाना शमशाद को ही गाने के लिए कहा करती थी। उनकी मधुर आवाज को उस समय ही लोगों द्वारा पसंद किया जाने लगा। शमशाद के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने संगीत की कोई भी बेसिक ट्रेनिंग नहीं ली थी। उनकी गायकी को कामयाब बनाने में उनका चाचा का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इनके चाचा शमशाद को 1931 में पहली बार एक स्टूडियो में ऑडिशन के लिए ले गए। तब वह मात्र 11 साल की थी। जब उनकी आवाज को स्टूडियो में सुना गया तो उस समय लाहौर के जाने माने संगीतकार गुलाम हैदर ने उन्हें बहुत पसंद किया और उन्हें एक एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए ऑफर दिया। इसके बाद उनके चाचा ने उनके पिता को बड़ी मुश्किल से मनाया तब कहीं जाकर उनके लिए गायकी का रास्ता खुल सका। उन्हें उस समय की सबसे मशहूर जीनोफोन म्यूजिक कंपनी के लिए गाने का मौका मिला। उस समय उन्हें एक गाने के लिए 15 रुपए मिलते थे, लेकिन उनकी एल्बम बहुत ज्यादा हिट होने के कारण कंपनी ने उन्हें 5,000 रुपए देकर प्रोत्साहित किया। उसके बाद वर्ष 1937 में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो पेशावर लाहौर से भी गाने का मौका मिला। यह वह समय था जब रेडियो पर गाना गाने वालों को ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। साथ ही उस समय लता मंगेशकर, आशा भोसले का भी हिंदी फिल्म जगत पर नया नया आगमन हुआ था। उस समय के संगीतकार उन्हें भी शमशाद बेगम के ही स्टाइल में गाने को कहते थे। यह उनके लिए बहुत ही सम्मान की बात थी कि नए उभरते हुए कलाकार भी उन्हें अपना आदर्श मान रहे थे। इसलिए लता जी और आशा जी के शुरू के गाने शमशाद बेगम के ही स्टाइल के होते थे। उनकी समकालीन गायिकाओं में से नूरजहां, मुबारक बेगम, सुरैया, सुधा मल्होत्रा और गीता दत्त का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। वह अकेली ऐसी गायिका थीं जिनके साथ 1940 के दशक में संगीतकार मदन मोहन और गायक किशोर कुमार भी कोरस में गाते थे। मदन मोहन तो उनकी गायकी से इतने प्रभावित थे कि वह उनके साथ काम करने के लिए अपनी पेमेंट आधी लेकर भी काम करने को राजी हो जाते थे। रेडियो से शमशाद की आवाज़ को जब उस समय के महान संगीतकार नौशाद ने सुना तो उन्होंने शमशाद को फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बनने का मौका दिया। इसके बाद तो शमशाद बेगम की जिंदगी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अब वह बॉलीवुड की एक जानी मानी गायिका बन चुकी थीं। वर्ष 1941 में वह अपने पति के साथ मुंबई में आ गईं।
यहाँ उन्होंने डायरेक्टर महबूब खान के साथ भी काम किया। इस समय उन्होंने फिल्म खजांची और खानदान के लिए भी गीत रिकॉर्ड किए। उसके बाद गुलाम हैदर के म्यूजिक में उन्होंने एक पंजाबी फिल्म यमला जट के लिए पंजाबी गीत रिकॉर्ड किए, जो कि सुपरहिट साबित हुए। उसके बाद तो उनके पास फिल्मों के लिए गाने की लंबी लाइनें लगने लगी। उस समय की मुख्य फिल्में हैं जमींदार, पूंजी, शमा और तकदीर। इन फिल्मों के गीत भी बहुत हिट होने लगे, लेकिन इतनी सफलता मिलने के बाद भी उनका रवैया बड़ा ही शांत एवं सादगी से भरा रहा। उन्होंने उस समय सन 1950 से लेकर 70 तक के दशक में उस समय के जाने माने संगीतकारों नौशाद अली, गुलाम हैदर, एस डी बर्मन, ओ पी नैयर, सी रामचंद्र एवं मदन मोहन जैसी महान हस्तियों के लिए काम किया। इतनी सफल अदाकारा बनने के बावजूद भी उन्हें अपने परिवार की सामाजिक धार्मिक परंपरा के चलते कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। वह स्टूडियो में भी बुर्का पहनकर ही गाना रिकॉर्ड किया करती थी। उन्हें फोटो खिंचवाना बिल्कुल मना था। वह किसी भी फिल्मी पार्टी या अवार्ड फंक्शन में शामिल नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी आवाज़ का जादू बरकरार रहा। उनका गाया एक गीत जो कि वेस्टर्न म्यूजिक स्टाइल में था, मेरी जान संडे के संडे, यह गीत भी बहुत पसंद किया गया। अब उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी न था। सन 1955 में उनके पति गणपत लाल की एक रोड एक्सीडेंट में अचानक मौत हो गई। उनकी मौत के बाद शमशाद टूट सी गईं। वह अपने पति से बेहद मोहब्बत करती थीं। अब उन्होंने गाना बहुत कम कर दिया, लेकिन उसके बाद भी सन 1956 से लेकर 1960 तक उन्होंने कुछ फिल्में की जिन्होंने बॉलीवुड को कई हिट गीत दिए। यह फिल्में हैं मदर इंडिया, CID, अंदाज और मुगले आजम। सन 1960 में आई फिल्म मुगले आजम में उन्होंने एक गीत जो कि लता मंगेशकर के साथ गाया। इस गीत के बोल थे, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। यह गीत उनके जीवन का एक सुपरहिट गीत साबित हुआ। शमशाद बेगम ने भारतीय फिल्म संगीत जगत को सन 1940 से लेकर 1970 तक लगभग 6000 से अधिक गीत दिए, जिनमें से हिंदी भाषा के अलावा तमिल, गुजराती, मराठी और पंजाबी भाषा के भी गीत थे। उनको भारतीय कला जगत की दुनिया में ऐसा काम करने के लिए सन 2009 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा उन पर सन 2016 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। उनके गाए सुपरहिट गीतों में से कुछ गीत यह हैं, मेरे पिया गए रंगून, लेके पहला पहला प्यार, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बूझ मेरा क्या नाम रे, कभी यार कभी पार, लागा तीरे नजर, कजरा मोहब्बत वाला, सैया दिल में आना रे, रेशमी सलवार कुर्ता जालीदा। अपनी सुरीली और जादुई आवाज से फिल्मी संगीत को इतना अमीर बना देने वाली इस सुरों की मल्लिका का निधन 23 अप्रैल 2013 को मुंबई शहर में हुआ। लेकिन आज भी जब उनके गाए गीतों के रीमिक्स डिस्को नाइट्स में बजाए जाते हैं तो लगता है कि शमशाद आज भी हमारे बीच ही हैं। भारतीय संगीत का इतिहास सदा ही ऐसे कलाकारों का ऋणी रहेगा। दोस्तों, संगीत जगत से जुड़ी ऐसी ही जानकारी हम आगे भी आपको देते रहेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।